जब आप एक पत्रकार बनते हैं तो आपकी ट्रेनिंग का ये बुनियादी हिस्सा होता है कि कभी तुम्हारे सामने राष्ट्रपति बैठा होगा, कभी रिक्शे वाला बैठा होगा, कभी कोई मशहूर एक्टर होगा, कभी आम इंसान होगा। घबराना मत, नर्वस बिल्कुल मत होना, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। ऐसे होता ना कि वो जोक चलता है कि डेविड छोटा सा ऑपरेशन है, डर मत। तो पेशेंट कहता है मेरा नाम डेविड नहीं है, तो डॉक्टर कहता है मेरा नाम डेविड है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। पंकज कपूर को आप एक एक्टर के तौर पर जानते हैं ना। अमूमन जब आप किसी के काम की सराहना करते हैं तो तालियां बजाते हैं। लेकिन कल मैं एक नए पंकज कपूर से मिला, शाम को मिला, रात में बल्कि मुलाकात शुरू हुई और 2-2.5 घंटे चली, और उस चक्कर में घर पे डांट भी पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने संबंधों की डींगे हाँक रहा हूँ, पंकज कपूर जी को पहले से जानता हूँ। ये सत्य नहीं है, ये भाई साहब मुझसे ठीक 30 साल बड़े हैं और मैं पहली दफ़ा मिला हूँ। बीती शाम मैं इनकी किताब से मिला, इनके उपन्यास से मिला, उपन्यास जिसका शीर्षक दोपहरी है, जिसे हार्पर हिंदी ने छापा है, और उस उपन्यास के सिलसिले में बात करेंगे। और सिनेमा तो है ही, आपने पंकज जी भूमिका में लिखा, ये आपका माइक, कि 4 दिन का ये सिलसिला है, तो शुरुआत कैसे हुई? क्या इससे पहले तो आपने उपन्यास नहीं लिखे मेरे जाने? नहीं, मैंने उपन्यास तो नहीं लिखे थे, थोड़ी बहुत कविताएं वगैरह, पोइट्री वगैरह लिखता रहा था, और कुछ एक फिल्म लिखने की कोशिश भी की थी। और ये भी दोपहरी भी जो है वो फिल्म के विचार से शुरू हुआ था। सवाल दिमाग में ये था कि एक अकेली औरत है जो कहीं रहती है, और उसकी ज़िंदगी में जब ज़िंदगी की दोपहरी आन पड़ी है तो वो आगे का सफ़र कैसे गुजारती है, और अपने अकेलेपन से अपना वजूद कैसे तलाशती है। ये एक थॉट था जहन में जब मैंने इसके बारे में विचार किया। तो जैसे मैं अभी राजदीप साहब से कह रहा था कि शुरुआत तो इसकी यूं हुई थी कि शायद दादर में कोई एक फ्लैट है जहाँ पे एक अकेली औरत रहती है, लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो पहला लफ्ज़ जो मेरे कलम ने लिखवाया मुझसे वो अम्मा बी था। तो अम्मा बी लिखते ही कहानी अपने आप लखनऊ पहुंच गई, और वहाँ का कल्चर, वहाँ की ज़बान, वहाँ के लोग, सारी कहानी उन्हीं के साथ जुड़ती चली गई। गो के मैं ये कहूँगा कि ये कहानी यूनिवर्सल है, किसी के साथ भी कोई भी इंसान अगर अपनी दादी, अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी मौसी, अपने पड़ोस के रहने वाले लोगों में बुज़ुर्ग जो हैं उनकी इज्जत करते हैं, उनको चाहते हैं, या उनकी याददाश्त है उनके पास, तो उनके लिए इस कहानी के साथ रिलेट कर पाना बहुत आसान होगा। और ये भी होगा कि कुछ जो चीज़ें वो उन्होंने, जो चीज़ें वो भूल गए होंगे, शायद ये किताब पढ़ने के बाद उन्हें याद आएँ, और शायद वो कोशिश करें कि भले टेलीफोन पे, भले खुद जा करके थोड़ी सी तवज्जो अपनी दादी, नानी, माँ, बाकी लोगों को भी दें। तो इसका सिलसिला, जैसे आपने फरमाया, शुरुआत हुई उसकी, और मुझे ऐसा लगता है ऊपर से उतरा, क्योंकि ये कहना अजीब लगता है लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि 4 दिनों में 80-85 पेज बाहर आ जाना, और जो किताब आज छपी है उसमें केवल 2 लाइनें एडिट की गई हैं और 3 लाइनें ऐड की गई हैं इन 27 सालों में, तो नॉवेला वैसे का वैसे बरकरार था। क्या बात, आपने अभी ये जाहिर किया कि ये 27 बरस पुराना है, मुझे पढ़ते वक्त ये कतई नहीं लगा। थैंक यू। मतलब अम्मा बी को वो जो डर लगता है कि मैं बेवा और मैं लाल जोड़े में कैसे, या अम्मा बी अपने गुलदान से बात कर रही हैं कि तुम्हें एक नया वो लिहाफ मिलेगा, या अम्मा बी और डॉक्टर सक्सेना का जो रिश्ता है, मुझे कतई नहीं लगा कि ये इतने बरस पुराना है। ज़बान के मामले में थोड़ा सा पेचीदगी लगी, पेचीदगी ये नहीं लगी कि ज़बान मुश्किल है। हम लोग थोड़ा छोटा दिमाग है तो सोचते हैं अच्छा पंकज कपूर लुधियाना, लुधियाना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, पर ज़बान तो बिल्कुल वो जो अवध की शीरी ज़बान होती है। आप यकीन मानिए कि मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई, आप यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि शायद हो सकता है स्कूल और ड्रामा की तालीम के तहत जो हम लोगों ने थिएटर वगैरह किया, नाटक पढ़े, ज़बान पे रियाज़ कराया गया हम लोगों को, शायद वो सब बैकग्राउंड का हिस्सा बना,
प्लस मुझे हमेशा से उर्दू शायरी का शौक़ था, थोड़ा पढ़ता था, थोड़ा उर्दू ज़बान से भी लगाव था. मैं मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था जब मैंने अपने फादर साहब से कहा कि मैं सही तलफ़ुज़ में बोलना जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई उर्दू में ख़बरें आती हैं तो तुम उर्दू की ख़बरें सुना करो. मैं सुनता था, अब मेरा ख्याल है मैं नौवीं या दसवीं जमात में था उस वक्त. फिर वो पीछे छूट गया सब मामला, फिर स्कूल और ड्रामा में गए, स्टेज हुआ, ड्रामा हुआ, फिल्में हुई. तो जब ये बैठने, जब मैं लिखने बैठा तो ये जो कुछ भी लिखा गया है ये ऑटोमेटिकली आता चला गया, इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरी दूसरे स्क्रिप्टें हैं या दूसरे नॉवेला हैं जिनके ऊपर बहुत मश्क करने की ज़रूरत पड़ी, बहुत रियाज़ करने की ज़रूरत पड़ी, काट फाड़ करने की ज़रूरत पड़ी. दोपहरी ऐसी एक नॉवेला है जो एक्चुअली एक फ़्लो के अंदर निकली है, और आज भी अगर मैन्यूस्क्रिप्ट आप देखेंगे और जो छपा है वो आप देखेंगे तो उसमें आपको, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो दो लाइनों का एडिट है और तीन लाइनों का एडिशन है बस. आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, मैं किताब में भूमिका पढ़ रहा था, फिर ये गजेंद्र सिंह हमारे सिनेमा एडिटर, उन्होंने रिसर्च की. लुधियाना में अंग्रेज़ी फिल्में देखने जाते थे आप? हाँ जी, दरअसल मेरे फादर अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ़ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, फिर प्रिंसिपल रिटायर हुए. लेकिन मुझे सौभाग्य उनसे जो प्राप्त हुआ, जिसमें शायद स्टोरी टेलिंग का एक सेंस उनके साथ, जब मैं सात आठ बरस का था तो छोटा सा हमारा किचन होता था जहाँ मेरी माँ भजिए बनाती थी, पकौड़े, और हम नीचे ज़मीन पे बैठ जाते, कंबल बिछा के. जी, कंबल बिछा के, नाइस डिटेल यू रिमेंबर. तो बिछा के बैठ जाते थे और मेरे फादर जो हैं वो शेक्सपियर, शर्लक होम्स, किंग आर्थर, लैंसलॉट, सर लैंसलॉट, फादर ब्राउन और कई लिटरेचर की किताबें, उसकी कहानियाँ और उसका चलन जो है हमें पंजाबी में बताया करते थे, क्योंकि हमें तो अंग्रेज़ी बोलनी पढ़नी आती नहीं थी तब तक. शेक्सपियर पंजाबी में? जी जी, वो हमें उसकी कहानी बताया करते थे कि कैसे, और कुछ अंग्रेज़ी की लाइनें याद भी कराया करते थे कि भाई ये कोटेशन है अंग्रेज़ी में, इसको शेक्सपियर का है, बड़ा मशहूर है, इसको याद कीजिए. जैसे? जैसे कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग. या रोमियो जूलियट से, इफ आई प्रोफेन विद माय अनवर्दी स्टैंड दिस होली श्राइन, द जेंटल फाइन इज दिस, माय लिप्स टू ब्लशिंग पिलग्रिम्स स्टैंड एंड वेट टू स्मूथ दिस रफ टच विद अ टेंडर किस. तो wow. तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं जो कुछ भी पिछले 40 साल में कर पाया हूँ उसमें, और लेखनी में ख़ास तौर पर. एक चीज़ मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, जितनी भी पंकज कपूर ने इजाज़त दी अपनी ज़िंदगी से गुजरने की उसमें, कि कई बार पिताजी अपने मन से कहानियाँ सुनाया करते थे और वो कई कई रोज़ तक खिंचा करती थी. जी जी, शायद स्टोरी टेलिंग का सेंस वहीं से पैदा हुआ. वो पूछा करते थे कि भाई इसको और लंबी करूँ, और हम बच्चे थे तो हम कहते थे हाँ और लंबी कीजिए. तो कई कई कहानियाँ दो दो ढाई ढाई महीने चलती थी, और मुझे लगता है वहाँ से एक सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या होता, मतलब अगर वो तवज्जो देते एज अ राइटर तो शायद हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर्स होते. वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में लिखते थे, अंग्रेज़ी में ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज़ी पे उनकी पकड़ बड़ी ज़बरदस्त थी. तो और टीचर भी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री थे मेरे विचार में. अब एक टीचर से दूसरे टीचर पर चलते हैं, आपको NSD लेकर चलते हैं, जहाँ से ज़िंदगी ने एक बड़ी करवट ली. जी, करीब ही है. जी, रंजीत कपूर के साथ आपने बहुत प्ले किए हैं. जी हाँ, दो तीन प्लेज उनके साथ किए हैं मैंने. मैं वो लिस्ट फेरिस देख रहा था. जी, क्या है उनकी याद, NSD के क्या दिन थे? इंटरव्यू वाला दिन तो बहुत ही ज़्यादा याद रहता होगा. अब वो तो खैर याद रहता ही है, मगर मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसकी शुरुआत भी मेरे पिता की वजह से हुई. क्योंकि जब मैंने अपने पिता से कहा कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने पहली बात मुझसे ये कही कि बेटा अपने आप को इसमें एजुकेट करो, तालीम हासिल करो. तो उन्होंने ही मेरे लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पता किया, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हुआ. और वहाँ पे अलकाजी साहब जैसे टीचर के साथ, और जो उस वक्त का स्टाफ था उनके साथ, उनकी सोहबत में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. और चूँकि मेरी उम्र सिर्फ 19 बरस की थी तो बड़ा इम्प्रेशनेबल एज थी, तो जो कुछ भी सीखा उस वक़्त काफ़ी गहरे समा गया मेरे अंदर. ऐसा नहीं होता था आपके ज़माने में, जैसे हम अगर अपने पापा से कहें पापा फिल्मों में जाना है या एक्टिंग करनी है, तो पहले तो चार तमाचे पढ़ते. जी, और फिर बहुत होगा जाता कि मिडिल क्लास के हो,
कुछ बढ़िया डॉक्टरी इंजीनियरिंग करो, हमें तो फिल्में तक नहीं देखने दी जाती थी, गणित के रजिस्टर में लिखते थे कि बड़े होके देखेंगे। जी जी, वहीं मेरे फादर साहब जो थे वो मुख्तलिफ थे। पहले आपने सवाल किया था अंग्रेज़ी फिल्मों का, तो मैंने अंग्रेज़ी बोलने की जब ख्वाहिश जाहिर की थी उनसे, तो उन्होंने कहा बेटा अंग्रेज़ी फिल्में देखनी शुरू करो, उससे थोड़ा थोड़ा तुम्हें अंग्रेज़ी का पता चलेगा, लोग आपस में बातचीत कैसे करते हैं, कान तुम्हारे उस ज़बान की तरफ जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत ही एक्सेप्शनल आदमी थे, बहुत, क्योंकि ख़ुद एजुकेशन में थे, तो उन्होंने, बल्कि मेरी माँ रोने लगी कि भाई ये तो लड़का जो है कह रहा मैं एक्टर बनूँगा, और मेरे पिता जो थे उन्होंने कहा आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि 18 साल की उम्र में मेरे बेटे ने ये तय कर लिया कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन साथ ही में ये भी कहा कि बेटा ये तय करो पहले कि तुम्हारे अंदर वाकई टैलेंट है या ग्लैमर है फिल्मों का, क्योंकि उस वक्त तो हमारे जहन में सिर्फ फिल्में थी, कि पहले ये पता कर लो। तो मेरे दिमाग में जब भी किसी इंटरव्यू के लिए मैं गया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती थी भगवान से रिक्वेस्ट कि भाई मेरे, मुझे ऑडिशन में पास कर देना। ऑडिशन में पास हो जाने का मतलब है कि आपको अभिनय थोड़ा बहुत आता है, स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाने का मतलब है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है या आप उन लोगों को पसंद नहीं आए। तो फॉर्चुनेटली ऑडिशन में मैं सब जगह पास हो गया, स्कूल और ड्रामा में भी, और इस तरह से मेरा एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ। इन 3 वर्षों में एनएसडी के कौन सा प्ले है जो आपको लग रहा हो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा और अब तक रह रहे कि उसका वाकया, उसके रिहर्सल का और सब याद आता है? आई थिंक वॉइजक प्ले था हमारा, जिसको रंजीत कपूर साहब ने ट्रांसलेट भी किया था और डायरेक्ट भी किया था। बहुत मुश्किल प्ले, बहुत मुश्किल रोल, और मगर हमारे लिए, रंजीत और मेरे दोनों लिए, बहुत, दोनों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि जब वो प्ले हो गया तो अलकाजी साहब ने हम लोगों को मुबारकबाद दी और कहा, खुद उन्होंने फरमाया कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ही हैज सीन इन हिज लाइफ। तो हमारे लिए अलकाजी साहब खुदा थे, तो उनका ये कह देना, हमारे टीचर का ये कह देना हमारे लिए अल्टीमेट था, और हम अपने आप को, जैसे कि मैंने अपनी दोपहरी में भी लिखा, किसी टार्जन से कम नहीं समझ रहे थे उस वक्त। एक पिता का जिक्र हो रहा है, एक दूसरे पिता, आपकी पत्नी के पिता बलदेव पाठक जी, उनका जिक्र बहुत कम आता है। मुझे भी कुछ देर पहले ही पता चला कि राजेश खन्ना के जो फेमस गुरु कुर्ता थे वो बलदेव जी ही सिला करते थे। जी हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उनकी डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई। सुप्रिया जी सिर्फ 17 बरस की थी जब उनकी डेथ हो गई, तो मुझे उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिल पाया। बाकी तो सुने, किससे सुने? मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना है या कुछ तस्वीरें देखी हैं जी, और ये समझ में आता है कि बहुत दिलदार, बहुत बड़े दिल के आदमी थे, बहुत अच्छे थे, अपने अपने काम में बहुत टैलेंटेड थे। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही है, मैं वो बात पढ़ना चाहता हूं। पहले, जिंदगी में जिन सबसे शानदार इंसानों से मैं मिली हूं, उनमें से एक पंकज कपूर हैं। चाहे रिश्ते हों, काम या ज़िंदगी को लेकर उनका नज़रिया, या घर परिवार को लेकर, मैं उन्हें 10 में से 9 नंबर दूंगी। बहुत सिंसियर आदमी हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि झूठ कैसे बोलते हैं। लाइफ में जैसा बैलेंस वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ। जी, ये मेरी पत्नी हैं सुप्रिया, जो गाहे बगाहे जहाँ चांस मिलता है मुझे नंबर दे देती हैं। ये मुझे ये बताइए, एक नंबर किसका, किस बात का कटा? ये आपको नहीं हुआ कि मैं हैरान हूँ कि 5 क्यों नहीं कटे या 7 क्यों नहीं कटे? मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने एक ही नंबर काटा। भाई, वो मुझ में बहुत अच्छा कुछ देखती हैं, मुझे अपनी खामियाँ मालूम हैं, लेकिन चूंकि वो मुझ में इतना अच्छा कुछ देखती हैं, इसीलिए शायद प्यार भी करती हैं मुझे, और हम लोग पिछले 33 बरस से एक दूसरे के साथ भगवान की कृपा से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुप्रिया जी मेरी माँ की उम्र की हैं, मैं जब भी उनको पर्दे पर देखता हूँ, संस्कृत का एक शब्द है विस्मय, मुझे उनकी आँखों में विस्मय का बखान नज़र आता है। मतलब ये सिर्फ पर्दे पर है कि वो असल ज़िंदगी में ही में भी बहुत ही सरप्राइज्ड और अमेज सी रहती हैं दुनिया नहीं से। वैसी बहुत फोकस्ड हैं और बहुत कमिटेड मदर भी हैं, बहुत कमिटेड वाइफ भी हैं, बहुत कमिटेड एक्ट्रेस भी हैं, और दोपहरी आज अगर छपा है तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही तलाशा कि कैसे इसको छपाया जा सकता है। मैं तो सुस्त आदमी हूँ, मैं अपना लिख के साइड पर बैठा हुआ था, मगर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है कि आज दोपहरी नॉवेला के तौर पर छप के बाहर है। हम में से कई लोगों की, जो कि हमारी कमज़रफी ही है, ये शिकायत होती है कि साहब लिखना तो बहुत चाहते हैं, वक्त नहीं मिलता है,
नौकरी है, परिवार है, बहुत सारी परेशानियां हैं, ये शिकायत तो आप भी पाल सकते थे। तो एग्जैक्टली पंकज कपूर का क्या राइटिंग प्रोसेस रहता है? ऐसे मेज कुर्सी पे बैठ गए, तख्त पे बैठ गए, कलम ली, टाइपराइटर लिया? नहीं, मेरा सिंपल है, मेरा एक मेज़ है, उसी पे लिखता हूँ मैं, 99% उसी पे लिखता हूँ, और एक कलम है जो इस टाइप का है, ये इसके साथ लिखता हूँ बस, और प्रोसेस कोई नहीं है। और ज़रा कागज़ जो हैं वो क्या वो रिम वाले कागज़ खुले वाले होते हैं? हाँ, खुले वाले होते हैं, उसको गत्ते पे लगा के लिखता हूँ मैं, ये अच्छा, मेरा प्रोसेस है। और हल्के अगर पीले हों तो लिखाई बेहतर होती है। पंकज कपूर की जिंदगी की ताकतवर औरतों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि दोपहरी में जो किरदार आते हैं, चाहे वो अम्मा बी का हो, चाहे सबिया का हो, और शरबती के भी किरदार में, कहीं ये नहीं लगता है कि ये अपने आप से कहीं खुद को कमज़ोर मान रही है? और हमें ऐसा लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी में ताकतवर औरतें होती हैं तभी आप ऐसा लिख पाते हैं। आपने मजबूत औरतों को देखा है इसलिए किरदार मजबूत है, सत्य है सर? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ज़रूर अनचाहे में कुछ कैरेक्टर्स ने मुझे अफेक्ट किया होगा, मेरे आसपास जिन लोगों को मैंने देखा होगा, कुछ तो वो है। और कुछ मुझे हमेशा लगता है कि फ़िक्शन में कुछ तो आप ज़िंदगी से लेते हैं, कुछ अपने दिमाग से उसमें पिरोते हैं, तभी उसमें एक ताजगी पैदा हो जाती है, अदरवाइज़ तो डॉक्यूमेंट्री टाइप का कुछ सिलसिला हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं ऐसा सोच तो नहीं पाऊँगा कि कौन पर्टिकुलर लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो लिटरेचर मैंने पढ़ा या जिन लोगों को मैंने देखा, जिन लोगों से मैं मिला, जिनसे मेरा रब्ता रहा, उन लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो किया ही होगा। आपकी 3 फिल्में हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। पहली फिल्म है भावना तलवार की हैप्पी, कहाँ अटकी है सर ये? ये भावना जी को मालूम होगा या उनके मियाँ शीतल तलवार साहब जो उसके प्रोड्यूसर हैं उन्हें मालूम होगा। किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? चार्ली चैपलिन नुमा है कुछ ऐसा बताया गया, हसोड़ है पर ट्रेजिक है? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों की उम्मीद थी कि इसको चार्ली चैपलिन बना दिया जाए, फ्रैंकली ये मेरी ही एक कहानी के ऊपर है बेस्ड फिल्म। कहानी का ओरिजिनल नाम अवस्थी था, फिर हमने उसमें कुछ तब्दीलियां लाई और फाइनली उसको हैप्पी का नाम दिया। ये एक ऐसा किरदार है जो इनडिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर जैसे कहते हैं मुंबई की एक चाल में रहता है, और जिसका कोई नहीं है दुनिया में। और एक ईरानी रेस्टोरेंट है जहाँ शाम में ये थर्ड रेट किस्म के जोक सुनाता है और बेसुरे गाने गाता है, ये उसका लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट है। मगर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन बहुत अकेला है। और जब सडनली उसकी ज़िंदगी में एक कुत्ता आ जाता है छोटा सा, और उसको एक कंपेनियन मिल जाता है, और उसके साथ उसकी ज़िंदगी में एक रौनक आ जाती है, और फिर वो कुत्ता एक दिन गायब हो जाता है, और फिर हैप्पी को क्या होता है, ये है हैप्पी की कहानी। तो एक आम आदमी की कहानी है, एक आम आदमी, मामूली आदमी एक बड़े शहर में, और बड़े शहर की हसल बसल और चहल पहल के बीच, ये बेसिक कहानी है उसकी। मुंबई में अवस्थी अकेला है जी, लखनऊ में अम्मा भी अकेली हैं जी, पंकज कपूर बिल्कुल अकेला नहीं है, बिल्कुल अकेला नहीं, नहीं, पूरे परिवार के साथ भरपूर है, लेकिन चिंता ज़रूर रखता हूँ उन लोगों की जो ऐसे में जीते हैं, जो ऐसे में जीते हैं उनकी तरफ तवज्जो ज़रूर जाती है मेरी। एक दूसरी फिल्म गुड शर्मा जी, वो बनी कहीं रिलीज़ हुई है ऐसा सुना है, शायद हॉलीवुड में, हिंदुस्तान में तो नहीं हुई, वो भी उसके भी प्रोड्यूसर शीतल तलवार साहब थे। ओहो, कहानी उसकी आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वकील है जो अमेरिका जाता है। हाँ, वकील नहीं है एक्चुअली, वहाँ जाके टैक्सी ड्राइवर होता है, टैक्सी चलाता है बेसिकली, और यहाँ पे उसका एक दोस्त है गांव में जो जेलस है इस बात के लिए कि ये विदेश चला, हनुमान। हाँ, मैं वो हनुमान का कैरेक्टर करता हूँ, दिलीप ताहिल साहब वो दूसरा रोल करते हैं, और शहनाज पटेल इसमें उनकी पत्नी का रोल करती हैं जो उसी गाँव की रहने वाली हैं। तो एक तरह से प्रोग्रेस की और पर्सनल रिलेशनशिप्स की कहानी है। पंकज जी, हमारी ज़िंदगी में एक तो हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को माथे पर यूं चिपकाए फिरते हैं जैसे क्या ही हमने दुनिया का ताज पहन लिया हो। एक कलाकार बहुत मेहनत से फिल्मों में काम करता है, फिल्म रिलीज़ नहीं होती,
डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, हाउ डू यू डील विद इट? वेरी सिंपल, यू इंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म, द एंड रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, दैट इज ट्रू अबाउट लाइफ एज वेल। आप जिस जो लम्हा जी रहे हैं उसको सबसे बेहतर तरह से जीने की कोशिश कीजिए, कल और अगला लम्हा आपके हाथ में नहीं है, वो आपको मालूम ही नहीं है। आपके पिता का खूब जिक्र हुआ, आप खुद भी पिता हैं, क्या सीख दी आपने शाहिद को सिनेमा से इतर? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होगी, हम सब लोग अब अपनी अपनी पोटली में अपने पापाओं के लिए बहुत सारा प्यार और थोड़ी सी शिकायतें लेकर चलते हैं कि उन्होंने समझा नहीं या मौका नहीं दिया या हम जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये सवाल आपको शाहिद से या मेरे दूसरे बच्चों से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं कैसे बता सकता हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या हासिल किया, सिवाय इसके कि उन्होंने भी तय किया कि वो इसी फील्ड में आएंगे। इसके अलावा मेरे छोटे दोनों बच्चे रूहान और सना भी जो है वो भी इसी फील्ड में आना आ गए हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो इसलिए मेरे लिए कह पाना कि मेरे बच्चे मुझसे क्या इंस्पिरेशन हासिल करते हैं बहुत मुश्किल। वाकई आपने उन्हें कुछ बताया हो जो आपको लगता हो बहुत ज़रूरी है? वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहता ही है जब कभी बच्चे पास में होते हैं, और ये मेरे ख्याल ये सवाल अगर आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि उनका जिक्र आया है, सना ने लॉस स्ट्रासबर्ग से पढ़ाई की है, ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है एक्टिंग की? आप खुद NSD से गुजरे हैं। जी, मेरे ख्याल में मैं बहुत पहले मेरे पिता ने ही मुझे कहा था कि बेटा जिस भी फील्ड में जाना चाहे उसमें तालीम हासिल करो, एजुकेट करो अपने आप को। कई अरसे के बाद मुझे ये लगा कि भाई ये क्यों कहा इन्होंने, मैंने भी इस पर विचार किया, 21-22 बरस की उम्र थी, तो एक बात समझ में आई कि जैसे एक नदी होती है, उसका एक बहाव होता है, अगर आप उसको फ्लड आने से पहले चैनलाइज कर दें तो उसमें से बिजली पैदा की जा सकती है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दें तो जो बाढ़ उसके अंदर आई है वो चारों तरफ की चीज़ों को तबाह कर देगी। सो टैलेंट या कैपेबिलिटी या सलाहियत उस बाढ़ की तरह है जो आपके अंदर होती है, उसको स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे सही रिजल्ट पैदा हो सके, बजाय इसके कि आपको और आसपास की चीज़ों को तहस नहस कर दें। बाढ़ ने खूब ऊर्जा पैदा की, आप NSD में थे फिर रिपर्टरी में गए, और एक डबिंग और रोल के चक्कर में प्यारे लाल का रोल था गांधी में। जी हाँ, प्यारे लाल जी का रोल था। जी, आप में से कितने लोगों ने गांधी फिल्म देखी है? काफ़ी ने देखी, जिन्होंने नहीं देखी देख लीजिए, व्हाट्सएप के पार भी दुनिया है। मुश्किल था, रिपर्टरी ने ऐसे निकाल दिया, गुस्सा? मुश्किल तो था, मतलब आपके पास नौकरी थी, आपने नौकरी से हाथ धो दिया, तो एतराज़ तो था, लेकिन ये भी था कि अब देखते हैं ज़िंदगी कहाँ ले जाती है, अगर ना निकाला होता तो शायद फिल्मों में अभिनय का सिलसिला ही ना शुरू होता। तो वो एक प्रोसेस है, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी आपको जिस भी मोड़ पे ले आती है तो वो अच्छा ही होता है, अगर आप उसको पॉजिटिवली ले कर आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा ज़रूर। एक मोड़ और आया जब पंकज पाराशर ने तय किया कि वो करमचंद डिटेक्टिव बनाएंगे, और रोल आलोक नाथ को ऑफर किया था? नहीं, आलोक नाथ जी के साथ उन्होंने पायलट बनाया था। पायलट बनाया? हाँ जी, तो शायद एजेंसी ने कहा कि किसी दूसरे एक्टर को भी टेस्ट करो, तो वो मेरे पास आए, तो कुछ हमारा डिस्कशंस हुए, कुछ बातचीत हुई, और फाइनली फिर उस रोल को करने के लिए सिलेक्ट हो गए। मेन वजह उस वक्त तो ये थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए, तो मुझे लगा कि कुछ नहीं तो कुछ काम लेके काम तो शुरू करें। इस मानसिकता के तहत वो रोल मैंने एक्सेप्ट किया, और भगवान की कृपा से इट वेंट ऑन टू बिकम अ वेरी फेमस थिंग। पर शुरुआती कुछ एपिसोड्स के बाद आप निराश थे बहुत? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को एतराज़ था कि ये आदमी इतना हाथ क्यों हिलाता है, और आज 30-35-40 साल के बाद लोगों को वो हाथ हिलाना ही याद है। जब कभी भी लोग करमचंद का कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वही जेस्चर्स जो है उनको रिपीट करते हैं। एक बड़ी लंबी, मतलब मुर्गी की अंडा जैसी पुरानी बहस है, सिनेमा वर्सेस थिएटर, राम जाने वो वर्सेस क्यों है, लेकिन व्हेन वी लुक एट योर करियोग्राफ तो वहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं दिखता है, वो पूरक की तरह दिखते हैं। इसलिए क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, भले वो थिएटर हो,
भले वो सिनेमा हो भले वो टेलीविजन हो, ज़रूरी ये है कि आप क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर आपकी अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल है और ईमानदार है अपने काम के प्रति, तो मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता, मीडियम आपकी मदद करता है आपके काम को आगे लाने के लिए। आप आयरिश कॉफ़ी अच्छी बनाते हैं? आयरिश कॉफ़ी नहीं, नॉर्मल कॉफ़ी बनाता हूँ अपने लिए। अच्छा, वो पृथ्वी थिएटर के मुझे दिन याद आ गए शुरुआती। जी, बड़े लेजेंड हैं आपके, आपसे जुड़े हुए वहाँ पे। अच्छा, तमाम स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो बैठते हैं तो वो जो तमाम कहानियाँ सुनाते हैं उसमें। अच्छा, मुझे एहसास नहीं है इस बात का, लेकिन शायद हो भाई, शायद हो। जी, कब ऐसा लगा पंकज कपूर को कि यही वो है जो मैं करना चाहता था? एक एक वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है ना जी, जब एलिनेशन खत्म हो जाता है। एनएसडी में लगा, सेलुलाइट पे लगा? नहीं, उससे पहले जब मैंने तय किया कि मुझे अभिनेता बनना है, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एकदम तय था कि मुझे अभिनेता ही बनना है और मुझे यही काम करना है। संशय की कोई गुंजाइश? कोई गुंजाइश नहीं थी, बल्कि मेरे फादर ने बड़ी इंस्पायरिंग एक लाइन कही जो कि रोमन्स के बारे में कही जाती थी। वो जब कहीं कहीं जाया करते थे तो अपनी बोट्स को आग लगा देते थे। यस। तो उन्होंने मुझे ये कहा, यू हैव बर्नड योर बोट्स, डोंट लुक बैक। तो दिस वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग लाइन फ्रॉम माय फादर। जीतेंगे या मरेंगे? मरेंगे, जाओ करो और जीत के आओ या मर के आओ, जैसे भी जाओ। एक सवाल ये मैंने इरादा किया था कि ज़िंदगी में जब भी आपसे मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर पूछूंगा। अध्यात्म बड़ा व्यक्तिगत विषय है और मेरी अपनी सीमित समझ में मुठभेड़ चलती रहती है, किताबें पढ़ता हूँ, करता हूँ। आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ठीक ठाक हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ जी। तो आपने वो रास्ता कैसे चुना, उसका क्या प्रोसेस था? मेरा ख्याल है वो आप नहीं चुनते, कोई और चुनता है आपके लिए और आपको सिर्फ चलना होता है उस रास्ते पे। मौसम, कई लोगों ने कहा कि ये पंकज का शाहकार है, एक 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 बड़ा सपना, बड़े कैनवस के लिए देखा गया सपना। उसकी रिलीज़ के बाद आई प्रतिक्रियाएं या पूरे उसकी बुनावट को लेकर अभी कोई आफ्टर थॉट आता है? सिर्फ ये आता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला। ये आता है कि मैंने 4 साल अपनी एक्टिंग करियर के उसके अंदर सर्व कर दिए, शायद थोड़ी ज़्यादती कर दी अपने साथ, मेरे अंदर जो अभिनेता है उसके साथ, मगर मुझे रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आज भी जब अपनी फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है मैंने अच्छी फिल्म बनाई। कुछ खामियाँ हैं, हाँ हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये अगर गलती जो है उसको सुधार लिया जाता तो चीज़ें शायद बेहतर हो जाती। लेकिन जैसा आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे शायद, या बहुत से लोग जो यहाँ पे हैं वो समझते होंगे इस बात को कि ज़िंदगी कैसे किस तरह से आपके पास आती है ये आप कम्प्लीटली तय नहीं कर पाते। आप अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर पाते हैं और उस कोशिश में जो बेस्ट पॉसिबल हम लोगों से उस वक़्त हो पाया वो हमने किया। मगर हैविंग सेड दैट, आई पर्सनली फील के उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। हम अगली पंकज कपूर की लिखी और डायरेक्ट की हुई फिल्म का इंतज़ार कब तक करेंगे? ये उन सब लोगों पे है जो पैसे लगाते हैं, प्रोड्यूसर्स। हाँ, वरना मैं तो तैयार हूँ, चलो कल सुबह स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी तैयार है? कहानी तैयार, अरे दोपहर ही कहानी, क्या नॉवल तैयार है, कहानी तैयार है, बहुत सी कहानियाँ हैं इंशाल्लाह, बहुत सी कहानियाँ हैं जो हैं मेरे पास, कुछ जो हैं जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं और कुछ जो जहन में हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर हमें कोई मुनासिब इंसान मिल जाता है जो सही तरह से फिल्म बनाने के लिए तैयार है तो हम फिल्म बनाने के उसमें मैदान में फिर से उतरेंगे, ज़रूर फिर से उतरेंगे जी। नॉवेला का बार बार जिक्र हो रहा है, कहानियाँ, सिनेमा, थिएटर, आपने खुद भी कहा, लिखा भी कविताओं का जी, क्या आप लल्लनटॉप अड्डे पर इन सारे नौजवानों को अपनी कोई कविता सुनाएंगे? यार ऐसे ज़बानी मुझे बहुत याद नहीं रहती हैं, वो मेरी फाइल मेरी बीवी के पास है, पर बहरहाल एक शायद थोड़ी बहुत याद है वो मैं सुना देता हूँ जी, प्लीज़। और थोड़ा ध्यान से सुन ही रहे हैं वैसे तो आप लोग, अच्छी बात। मजहब बेनाम हो जाएं तो सुकून मिले, मजहब बेनाम हो जाएं तो सुकून मिले, खुदा हर में हर खुदा में है, ये बात आम हो जाए तो सुकून मिले। नजर का उठना कुछ कहना लाजिम है, नजर का उठना कुछ कहना लाजिम है, हर नज़र पाक हो जाए तो सुकून मिले।
सूरज चांद नदियां दरिया सबके सब सबके सांझे हैं, इंसान भी इंसान का हो जाए तो सुकून मिले, मजहब बेनाम हो जाए तो सुकून मिले। काफ़ी दशक गुजरे हैं, बुजुर्ग नहीं हैं आप, मैं वो तोहमत नहीं दूंगा, क्योंकि इसको पढ़ के लगा नहीं कि ये कांपते हाथों से लिखी गई है। खिलंदड़पन दिखा वो जुम्मन के किरदार में दिखा सब में। आप लोग, मैं अक्सर किताब वाला में आपसे कहता हूँ कि किताबें खरीदिए, चाहे सिनेमा एक कम देखिए, किताबें ज़्यादा देर तक ज़्यादा ज़रूरी वक्त में साथ रहती हैं। ये किताब है, आप लोग ज़रूर खरीदिए, इसको पढ़िए, अच्छी है, मेरी रिकमेंडेशन है। ऐसे मैं फट्टे मारता रहता हूँ सर। काफ़ी ज़माना बदला है, लुधियाना उस ज़माने का दिल्ली, अलका जी के ज़माने का थिएटर और तब का मंडी हाउस और अब का दिल्ली, मास्क लगे हैं पीछे। वो एक बात जो आप हम लोगों से कह के जाना चाहेंगे, जिसका हम ख्याल रखें। वैसे तो मैं कोई होता नहीं हूँ यार ये कहने वाला, नहीं हम तो इतने हक से पूछ रहे हैं, नहीं वो आपके बाप का बड़प्पन है, मगर जो करें दिल से करें, सच्चाई से करें, कम से कम सच्चा रहने की कोशिश तो करें। दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया पंकज कपूर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।